पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं खोजने निकला छेद वाला शालीग्राम पत्थर, पर महाराजगढ़ ने फिर से किया सूरजपुर वासियों पे हमला और इस बार ले गया मामा जी को अपने साथ। मैं पहुंचा रतननाक से मदद मांगी और मुझे पूरी कहानी मालूम पड़ी कि क्यों वो सब हमारी जान के पीछे बढ़ा है। मैं पाताल लोक का नक्शा और शालीग्राम पत्थर लेके पाताल लोक का रास्ता ढूंढने निकला और मुझ पे किया महाराजगढ़ ने हमला। अब देखिए आगे, उसी का तो इंतजार कि कब अभी क्या इस पाताल लोक में आएगा। मेरी बहन महारानी विक्रालिनी के इस जहरीली दुनिया में कदम रखेगा। यहाँ बिना सूर्य की शक्ति के कोई भी रुद्र के रक्षक महारानी का मुकाबला नहीं कर सकता। सब मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। मेरी और मेरी बहन का बदला पूरा होगा। गुरुकाल को मायावी चाबी मिलेगी। नहीं बहन, बहुत हुआ इंतजार, अब होगा महारानी विक्रालिनी का इंतकाम। मेरे जहरीले सर्पों, इन सबको डस लो। विक्रालिनी, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, इन मासूम बच्चों को छोड़ो। गलती तुम्हारे पूर्वजों की है जिन्होंने मेरे पूर्वजों को बेघर किया था। तब उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम गिड़गिड़ाओगे और मैं हंसूंगी। तुम सब मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। किसे कब तक बातों में उलझा के रखूं? समय बहुत कम है। काश अभी जल्दी से आ जाए और हमें बचा ले। विक्रालिनी, बिना बदला हमारी फैमिली से है ना, मेरे दोस्तों को तो छोड़ दे। उनके परिवारों ने क्या बिगाड़ा तेरा? इनकी गलती ये है कि तुम्हारे दोस्त और तुम लोग ये जो महाअच्छर है ना, उनका खाना बन जाओगे। और हाँ, तुम और अवि, तुम्हारी शक्ति तो यहाँ काम ही नहीं आएगी क्योंकि ये पाताल लोक है, तुम्हारी जादुई लोक नहीं। देखो अपने मामा को कैसे पड़ा हुआ है बेहोश। नाथ जी ने मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता नक्शा तो दे दिया, लेकिन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर हम इसे अदृश्य मायावी शक्तियों को देख सकते तो इसमें जाने का रास्ता भी जरूर दिखेगा। हाँ, पाताल लोक जाने का रास्ता तो दिख गया, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? समय भी बहुत कम है, मुझे सूरजदेव से ही मदद मांगनी होगी। सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, प्रकट होइए, मेरी मदद करिए। प्रणाम सूर्यदेव, शुक्रिया कि आप इतनी जल्दी मेरी मदद करने के लिए आ गए। सच्चाई और अच्छाई के रक्षकों की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हे सूर्यदेव, ये पाताल लोक का नक्शा और कृपया करके मुझे बताइए कि इसमें दिखा हुए पाताल लोक के द्वार तक मैं पहुँचूंगा कैसे और यहाँ तक जाने का रास्ता क्या है? अभी पाताल लोक के द्वार यहाँ से बहुत दूर उत्तर पश्चिम की अरुणाचलम पर्वत की घाटी में स्थित है। वहां तुम्हें आकाश मार्ग से जाना होगा। शुक्रिया सूर्यदेव, आप प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने काम में सफल हूं। तथास्तु। आकाश मार्ग में जाने तो वहां तक जाने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा।
है तू। पहले हम छुटेंगे, फिर तुझे आजाद करेंगे। ओ नारंगिया, खो वाली, अदृश्य आंटी, आपने बहुत सता लिया हम बच्चों को, अब हम ऑर्डर देंगे। अब जल्दी से हमें यहाँ से रिहा कर दो, वरना आपकी बहन नागिन आंटी को हम नहीं छोड़ेंगे। आंटी, नागिन आंटी किसको बोला? मैं चाहती थी तुम लोग मरने से पहले अभी की मौत और सूरजपुर का अंत देखो, पर कोई बात नहीं, पड़े रहो ऐसे मुर्दों की तरह। वैसे भी थोड़ी देर में सबका अंत होने वाला है। बहन, अभी अरुण पर्वत पर पहुंच गया है, अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। बहुत जल्द सूरजपुर और सूरजपुर के राजमहल में रहने वाले रुद्रों का सर्वनाश होगा, महाविनाश होगा। राजमाता, राजा साहब को अजगर निकल गया है, मैंने आंखों से देखा है। क्या आदित्य? बच्चे, माँ जी, बच्चे भी तो आदित्य के साथ थे, तो क्या उन्हें भी? माँ जी, ये मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं, रुक्मिणी, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है किसी को भी, तो इसकी हालत तो देखना। अगर आदि को अजगर निकल गया तो फिर इसे क्यों छोड़ दिया? सोचो ना, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं पता तुझे, जाओ। पति और बच्चों को कुछ नहीं हुआ है? नहीं माँ जी, तू फिक्र मत कर, मनी मत जाओ, कहीं मत जाओ, मैं कहती हूँ ना, किसी को कुछ नहीं हुआ है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती। आदित्य और मेरे बच्चे वो जहाँ भी है उन्हें लाए बगैर मैं नहीं रुक सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रुक्मिणी, जयचंद्र का मंत्र, इच्छा पूर्ति। हे भगवान, ये तो उल्टा हो गया, रुकने की बजाय तो चल पड़ी। मैंने तो मैंने मंत्र फिर उल्टा पढ़ लिया, ये मेरी भूलने की आदत कब मैं भूलूंगी। मैं फिर से सही मंत्र पढ़ती हूँ। जजन, तुम मंत्र में इच्छा पूर्ति। शांत, कुछ मत बोलना, ऐसे ही मैं इतनी घबराई हुई हूं, पता नहीं क्या होगा। पाताल लोक जाने का यही रास्ता लगता है। नागनाथ जी ने सही कहा था, जब यहाँ पर इतना अंधेरा है तो अंदर कितना अंधेरा होगा। अब मेरा बदला भी पूरा होगा और मेरा सपना भी पूरा होगा।
है प्लीज माया मत उठो उठ ना माया चिंटू सुनील सुनील उठ उठ ना मामा मामा उठिए मामा क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब अपनों की लाशें देख तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू देख मुझे बड़ा सुकून मिला इसी दिन के लिए मैं गुरुकाल से जाकर मिली ताकि मेरी बहन विक्रालिनी के साथ मिलकर मैं तुझसे तेरे परिवार से पूरे सूरजपुर से हमारे पूर्वजों के साथ हुआ अन्याय का बदला ले सके क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पूर्वजों के साथ अन्याय किया था मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार देता लेकिन नहीं मेरी लड़ाई पाप के खिलाफ है तुम जैसे पापियों के खिलाफ नहीं अपनी नेकी का गुणगान तुम बाद में चलो चलो जल्दी से अपनी मायावी चाबी मांगो चाबी हमें दे नहीं मैं मायावी चाबी कभी नहीं दूंगा रस्सी जल पर बल नहीं अभी ये तेरा जादुई लोक नहीं है पाताल लोक है हमारा पाताल लोक और यहाँ सूर्य की शक्ति नहीं आती यहाँ सिर्फ अंधेरा है सिर्फ अंधेरा मैं कह रही मायावी चाबी दे दे नहीं चाहे तुम कुछ भी कर लो मायावी चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी चाबी दे दो अभी पापा क्यों जिद पे अड़े हो जान बख्श दो सबकी ये आप क्या कह रहे हैं पापा मर गया तेरा पापा दे दे मायावी चाबी और खत्म कर दे ये खेल अपनी जान दे देंगे लेकिन मुझे मायावी चाबी देने के लिए कभी नहीं कह सकते ये पापा नहीं हो सकते ये जरूर कोई और है चेतना मेरी थी पर शरीर तो तुम्हारे बाप का था तुम मुझे मारना चाहते थे पर चोट तो तुम्हारे बाप के शरीर को लगी ये मेरा पाताल लोक है यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है तुमने अपने बाप को मारा अब अपनी बहन के शरीर से लड़ो चाबी 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 हम लोग कब तक इस स्टूपिड सी मायावी चाबी के लिए अपनी बलि चढ़ाते रहेंगे ये मायावी चाबी दे दे माया माया रुक माया माया रुक होश में आ माया रुक माया वो तुझे काबू कर रही है होश में आ वाह बहुत खूब बच्चे बाप और बहन के शरीर के बाद अब तुम्हें अपनी माँ और दादी की याद आ रही होगी है ना तो उन्हें भी बुला देती हूँ महाजन जाओ इसकी माँ और दादी को उठा कर लेकर आओ नहीं जाओ प्लीज तुम्हें मायावी चाबी चाहिए ना मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक शर्त पर पहले तुम इन सबको सूरजपुर वापस ले जाओ और मुझसे वादा करो कि
कि अब इन पर कोई भी खतरा नहीं आएगा, तभी मैं तुम्हें मायावी चाबी दूंगा। ठीक है, मायावी चाबी दे दे तो मैं तेरे पिता आदित्य सिंह को छोड़कर बाकी सबको सही सलामत वापस भेज दूंगी। नहीं, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाबा को। डरो मत, मैं तुम्हारी जान भी लूंगी और तुम्हारे बाप की जान भी लूंगी। अब सबको बचाने का यही एक रास्ता है, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। मेरे क्रोध की अग्नि में सूरजपुर का कड़कड़ जलेगा, एक एक व्यक्ति जलेगा। महारानी विक्रालनी जी, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। गुस्से से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकला। मेरे पूर्वज शांत रहे, उन्हें क्या मिला? उनका निवास टूटा, उनका जीवन बिखर गया, यहाँ तक कि उनके प्राण चले गए। आज मौका मिला है उन सब का हिसाब किताब चुकता करने का। प्लीज रुक जाइए, प्लीज। विक्रालनी जी, पहले आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको वो गलत लगे तो आप जो चाहे वो कर लीजिएगा। नहीं नहीं दीदी, आप इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत ही चालाक बच्चा है। आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। नहीं महारानी जी, मेरी बात सुनिए। बोलो, क्या बोलना चाहते हो, जल्दी बोलो। कई बार हमें नाचे तो ये भी कुछ काम करने पड़ते। मेरे पूर्वजों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। मेरे पूर्वज सूरजपुर के राजा के मंत्री थे और अपने राजा का आदेश मानना उनका कर्तव्य था, और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जैसे आपका महाजगर आपका हर आदेश मानता है। दीदी, इसकी बातों में मत आइए, इसलिए बात मत सुन। मेरी बात सुनिए, आपके पूर्वजों के साथ जो भी है वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन दो गलत मिलकर एक सही तो नहीं बना सकते, और वैसे अगर हम एक आग के बदले दूसरी आग ले लें तो पूरा संसार अंधों का हो जाता है। देखिए देखिए इन सब बेकसूर लोगों को, इन सब भोले भाले लोगों के साथ अन्याय करके क्या मिलेगा आपको? आपके पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ वो ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? प्लीज पहले मेरी बात को सोचिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। दीदी, आप भावुक होकर फैसला मत लीजिए, ये बहुत चालाक लड़का है, ये सब ड्रामा करता है, हमेशा ड्रामा करता है। महारानी जी, ये सब कोई ड्रामा नहीं है, आपके पूर्वजों के साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ। अतीत में आपके पूर्वजों के साथ जो भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप आइए, सूरजपुर में आपका स्वागत है। अपनी नफरत को प्लीज छोड़ दीजिए, मैं रुद्र का रक्षक शपथ लेता हूँ कि भविष्य में इस पाताल लोक से आने वाले हर एक सांप को सूरजपुर में सम्मान और सुरक्षा दिया जाएगी। दीदी सोच क्या रही, इसकी बातों पर भरोसा मत करो, कल को ये पलट जाए। शान, मैं वही फैसला लूंगी जो मेरे सर्पों के लिए सही है, उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, इसकी बातों में आई हो ना, कल को तुम पछताओगी, याद रखना मेरी बात। महारानी जी, मेरा वचन अटल है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये तो वक्त बताएगा। पापा, पापा, माया, अभी डुगू, आप लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा कि उस महाअजगर ने, लेकिन उस अजगर ने तो आप सबको निगल लिया था, तो फिर आप लोग। रुक्मिणी, अगर वो हमें निगल लेता तो हम यहाँ कैसे होते? समझ लो, बुरा सपना था और खत्म हो गया। आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि
अरे यार कीजिए विश्वास और अविश्वास को किचन में जाके प्रकट कीजिए। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और अगर आपने खाने को नहीं दे रहा तो मैं अजगर की तरह दादी को निकल जाऊंगा। क्या कहा? पेटू कहीं का, जब देखो तब बस खाने की पड़ी रहती है, खाने की पड़ी रहती है। अरे इतना खाता हूँ तब जाके तो इतना हैंडसम और स्मार्ट बना हूं। आप नहीं समझोगी, आप जलती हो ना मुझसे। क्या? अच्छा अभी दिखाती हूँ। मोहन कुदरत का हर करिश्मा, पेड़ पौधे जीव जंतु पंछी सब हमारे दोस्त हैं, और अगर हम इंसान इन्हें अपनी बुराई से बचा कर रखें तो ये सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं इंसानियत को बचाने में भी हमारी मदद करेंगे।